नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस ने अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर नगरपालिका प्रशासक एसडीएम श्रीमती प्रियंका पालीवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पूर्व कांग्रेसी नेता पालिका परिसर में ही खूब गरजे। जिंदाबाद जिंदाबाद। चोर जुल्म के टक्कर में सरकार हमारा नारा है। और चोर जुल्म की टक्कर में कांग्रेस हमारा नारा है। भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं। देखिए, आज आपके द्वारा नगर पालिका में एसडीएम मैडम को ज्ञापन के कितने सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है? आज हमने नगर पालिका में एसडीएम को जो है सात सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। और उन सभी मांगों का हमने पुरजोर ये किया है कि सभी मांग जो है हमारी मानी जाए और उन मांगों पर उचित कार्रवाई की जाए। इनमें प्रमुख रूप से हमारी जो मांगे हैं उसमें सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक अवधलाल पटेल जी है जो कि अकाउंटेंट नहीं है और ना होते हुए भी उनको अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त किया है। तो हमारा उनसे कोई भेद नहीं है, कोई ये नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस काम को सुचारू रूप से करने के लिए एक अकाउंटेंट उस पर अपॉइंट किया जाए। दूसरी बात जो है, नगरपालिका में जो टैंकर खरीदे गए विधायक निधि से, वो टैंकरों में भारी भ्रष्टाचार किए गए। मार्केट में वही टैंकर जो है 70 से 80 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं, लेकिन विधायक निधि से वो टैंकर करीब 1,30,000 रुपये में खरीदे गए, ऐसा हमें पता चला है। तो ये इसमें भारी अनियमितता है और सरकार के पैसों का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद में जो है, यहाँ पर पिछले साल नगर पालिका के प्रशासन में कचरा घर खरीदे गए थे, वो कचरा घर की पेटियाँ जो है पीछे सड़ रही है, उसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया। तो वो भ्रष्टाचार होने के कारण वो कचरा की पेटियों को जो है इन्होंने न वार्डों में पहुँचाया न कहीं पर लगाया और उस शासन का पूरा पैसा जो है तहस नहस कर दिया और आज भी वो नगर पालिका के पीछे वो पेटियाँ सड़ रही है। उसके बाद में बड़ी शर्म की बात है, मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि सौदा ग्रह जहाँ पर हमारे जो है मृत साथियों को ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, वो सौदा ग्रह बनाने में भारी भ्रष्टाचारी की गई है। ये बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है कि उसको भी तक नहीं नगर पालिका प्रशासन ने छोड़ा है। तो ऐसे प्रशासन का हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसी भ्रष्ट नगर पालिका का पूरा विरोध करते हैं और हम सारी मांगों की जाँच के लिए जो है उनसे पूरी मांगों की जांच के लिए हम जो है ताकत से विरोध करते हैं और उनसे जांच की मांग करते हैं। भैया, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ज्ञापनों का जो ये दौर चला है, ये चुनाव की सुधाहट तो नहीं है, चुनाव आने वाला तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो आम आदमी की जन सुविधाओं से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें चुनाव आने से और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो ये चाहते हैं कि आम आदमियों की जन समस्या जो है उसको हम उचित रूप से उठाते रहें और उनको सुख सुविधाएं मिलते रहें, क्योंकि मानव अधिकार के तहत हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुसार, तो उसके अनुसार जो है उसको अपनी सारी मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए। तो उन मूलभूत सुविधाएं से हमारा भाजपा का प्रशासन जो है उनको वंचित कर रहा है। तो हम जो है ऐसे प्रशासन को उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और समय समय पर जो है उनके खिलाफ खड़े होकर के पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे हम। आज जो सात सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को जो ज्ञापन सौंपा गया है, तो इसमें मुख्य बिंदु कौन सा? देखिए, आपको हमारे ईश्वर भाई ने सारी सातों मांगों पर बता दिया है। मैं मुख्य बात ये कहना चाहता हूँ कि आज ये भ्रष्टाचार तो एक अहम बिंदु है ही, पूरी नगर पालिका जो है भ्रष्टाचार में डूबी है और ये आज से नहीं डूबी है। इसके पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है जिसकी लोकायुक्त की जांच हुई है, उसी के तहत ये चरणबद्ध कार्यक्रम है और हम पिछले 5 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम देखते हैं कि नगर पालिका में लोकायुक्त की जाँच को भी दबा कर बैठे, हम इन मांग के साथ ही उन लोकायुक्त की जाँच की भी सार्वजनिक करने की भी मांग करते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि भाजपा के राज में पूरी चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो हमारी लड़ाई भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम भाजपा के शासन को, भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़ने में लगे हुए हैं और हम एक एक पाया इसका निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पे जो शिवराज सिंह ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो घोषणाएं कर रखी है, उस पर अमल नहीं करना। और ये पूरा जो तंत्र जो है, आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सभी मंत्रियों पर लोकायुक्त की जाँच चल रही है, अभी मुख्य सचिव भी लोकायुक्त के घेरे में आए हैं। इस तरह आज अपन देखते हैं कि आम जनता का पैसा ये सरकार चोरी रखे रास्ते से अपने जेब में भरने में लगी। तो हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हम ये नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करने का सपना लेकर हम यहाँ लगातार संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।